हुसैन और मेरे साथ है शेख फैसल अयूब साहब। मैं ताखिर से लाइव शुरू करने पर आप सबसे माजरत करता हूँ, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे पहले हमने तय किया था कि हम कुछ देर में शायद इसमें लाइव आएंगे, लेकिन बदकिस्मती से नहीं आ सके। कुछ मैं वजह यहाँ से पर सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, इट्स ऑल मिस्टेक ऑफ माइन एक्चुअली, मैं मेरी वजह से लेट हुआ, तो सॉरी फॉर दैट। नहीं कोई सुनेंगे, बाहर तबीयत कुछ नासाज सी, लेकिन ये कि हम कुछ दिन से लाइव नहीं कर सके, मतलब एक तो मसरूफियत, दूसरा तबीयत नासाज सी, कुछ हीट वेव चल रहा है कराची में, और उसके बाद फिर मतलब फीवर फ्लू और इस तरह की चीजें मिक्स हो गई थी, तो इस वक्त भी मतलब फीवर हो रहा है, अगर आप अगर यकीन माने तो फैसल भाई। बिल्कुल मुझे बाकी नजर ये आ रहा है। कि बात भी करनी है, और प्रोग्रेस गुलाम हैदर की यहाँ से हुई, आप सब जानते हैं, हमने एक वीडियो बनाई थी वहां पर जो अंसार पन्नी साहब के ऑफिस से, उसके बाद फिर इस सिलसिले में हम कोई बात नहीं कर सके, ना कोई लोगों को अपडेट कर सके। अच्छा हवाएं या बहुत सारी बातें इधर उधर की तो आपको पता है पूरा दिन ही चलती रहती है, तो लेकिन उनको लोग पूछते तो है मैसेज करके कॉल करके, लेकिन ये कि आप किसी को क्या जवाब देना, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो वीजे का प्रोसीजर हुआ है, हम कोशिश करेंगे वो आपके सामने रखें, और जो चलता रहा 3-4 दिन में कोशिश करेंगे वो भी रखें, और मजीद जो चीजें होगी इंशाल्लाह वो भी सब रखें। अच्छा हमने लाइव शुरू नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब इंतजार करते हैं, और आपका भी हमें भी उसी तरह ही इंतजार रहता है जिस तरह आप सब इंतजार करते हैं। और थोड़ी सी आवाज में तब्दीली नजर आई होगी, लेकिन वो फ्लू खांसी और बुखार की वजह से, और किस वजह से थोड़ी सी परेशानी है। तो बहरहाल भाई फैसल साहब आपको वेलकम भी है, और हमने तो अपना जो लाइव शुरू किया मेरे ख्याल में 1-1.5 हफ्ते के बाद ही कर रहे हैं, मतलब कुछ मसरूफियात और कुछ टाइमिंग ना बन पाना, तो आपके मिजाज कैसे हैं और जो देख रहे हैं आप सब कैसे हैं? बिल्कुल जी शायद भाई, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं माजरत करूंगा ये तखीर का, और सेकेंडली मैं ये कहूंगा कि सर आई वॉज ऑल्सो मिसिंग, एक बड़ा रूटीन से हम लाइव करते रहे थे, लेकिन कुछ इंटरप्शन हो गई दरमियान में, कुछ आप भी बिजी रहे, कुछ मेरे साथ भी इस तरह का मामला हुआ, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब रेगुलरली लाइव आके ना, तो एक सिलसिला जो हमारा चला हुआ था अपडेट लोगों को देने का और एक अच्छी तरह से डिस्कशन करने का, वो एक सिलसिला जारी रहेगा। और दूसरी जहाँ तक बात है वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से, तो डेफिनेटली आपकी जो इसमें खिदमात हैं, ये सर्विसेज हैं, मैं समझता हूँ कि काबिले तहसीन है, और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि इन कोशिशों की वजह से यकीनन एक अच्छा आउटपुट जो है वो हमारे सामने आएगा और बहुत बेहतर होगा। जहाँ तक बात है सर, पिछले कुछ दिनों में बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बड़ा उतार चढ़ाव देखा, बहुत कुछ देखा हमने सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन अच्छी बात ये है कि उन लोगों ने बड़ी कोशिश की है कि किसी तरह से इन लोगों को डीट्रैक किया जाए, और जो हमारे साथ इंडिया में बड़े बड़े नाम जुड़े हैं, माँ जी हैं या सरिता जी हैं, ये इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा कीचड़ उछालने की कोशिश की, उनको किसी तरह से डीट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन मैं उन लोगों को भी यहाँ पर सल्यूट पेश करूँगा कि उन लोगों ने इस चीज़ को ना सिर्फ अंडरस्टैंड किया, बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि हमें किसी कास्ट से पीछे हटाया जा सके, और वो बड़ा एक्टिवली जो है वो इस केस के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत बेहतर तरीके से इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं और आवाज़ बने हुए हैं गुलाम हैदर साहब की। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो कम से कम जेन्युइन लोग हैं, और उनको अपनी बात रखना और अपनी बात करना बहुत अच्छी तरह से आती है। तज़ीम है लोगों के जो कमेंट्स हैं उनको भी हम डेफिनेटली सर शामिल करेंगे, ताकि लोगों को ना एक एहसास रहता है कि हम लोगों को भी वो कमेंट्स में देख रहे हैं, जैसे इस्माइल अहमद साहब है, तज़ीम है, परवीन जी है, चिन्नू ऑफिशियल है, शबाना कुरैशी है, और इस तरह से आरजू, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी वेलकम और ताखीर के लिए डेफिनेटली कहेंगे। जी जो जो देखें फैसल भाई जुड़े हैं उन सबका वैसे दिल से शुक्रिया, और देखें आप सब इस केस में जुड़ते हैं अपडेट लेने के लिए, और हमारी कोशिश होती है कि हम अपडेट से कभी भी कोई ऐसी डिट्रैक वाली बात ना करें जो आप सबको नागवार गुजरे, या कुछ आप ये कहें जी कलम गलोच या फेक और झूठी चीजें फैलाई जा रही हैं, ऐसा हरगिज को हम कोशिश करते हैं कि चीज ना हो। जो फैक्ट्स होते हैं, जो हमें पता होते हैं या जो हमारे सामने हो रहे होते हैं, हम वो सामने रखते हैं, और दूसरी कोशिश ये भी होती है कि हम किसी को नीचा ना दिखाएं। बाकी आप जैसे फरमा रहे थे कि बहुत सारे जो बहनें हमारी सब रोज जुड़ती हैं, रोज उनको वो अपडेट लेती हैं, और ये सारे मामलात होने के बावजूद वो डटी हुई है, तो मैं तो हमेशा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए हमेशा ये हमें भी अगर थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें, तो आप गुलाम हैदर को आप देखें कि मतलब किसी एक हर आदमी ने उसको उकसाने की कोशिश की जो अदर साइड से था, लेकिन गुलाम हैदर को आपको टस से मस नजर आया,
बिल्कुल नहीं आया भाई, मेन आदमी वो है। अगर हम भी कुछ भटक जाए, प्लेयर इंसान है, लेकिन ये है कि कभी इस तरह की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक और बात आपसे कहूँ कि जितने लोग देखते हैं ना, मतलब हजारों की तादाद में लहरें रूम की नजर पड़ती है, मतलब वो लोग जो जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे तो लोग हुए जो सामने आते हैं, मतलब नीता बहन भी है, पारुल भी है, कविता भी है, और आसमा जी है, सरिता बहन है, दूसरी सरिता है, इसी तरह मंजू बहन है, बहुत सारे लोग हैं जो रोज आते हैं, दर्जनों लोग हैं। हम चाहे अहमद राशा साहब की बात करें या फिर मतलब दर्जनों पे इंतहा लोग हैं जिनका नाम रह जाए मैं उनसे भी मदद करूंगा, लेकिन मैं उन सब सब बहन भाइयों को जो मतलब इस केस से उनकी दिलो जान से जुड़े हुए हैं, रूहानी तौर पर जुड़े हुए हैं, और उनकी अटैचमेंट है गुलाम हैदर के बच्चों को लेके, तो मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए आपसे कभी भी मतलब हमसे आपको कोई शिकवा नहीं होगा। जितने भी लोग आप सबको उकसाने की कोशिश करते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, जी धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, कानून के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, कभी इस तरह की ना घटिया सोच रखी है और ना इस तरह की हरकत करेंगे। हाँ, लेकिन मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, दावत देता हूँ, आप सब अपने तासुरात कमेंट से हटके किसी के साथ भी लाइव जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो स्ट्रीम पे है या वन टू वन जुड़ना चाहे, तो आप आए, आप अपनी राय का इजहार करें, आप दुनिया को बताएं जी आप चाहते क्या है। ये जो प्रोटेस्ट है, देखें एथिकली अगर देखा जाए तो जर्नलिज्म भी नहीं है, यूट्यूबर वाला स्टाइल भी नहीं है, ये प्रोटेस्ट है जो लोग करते हैं वो इसलिए कर रहे हैं, चार बच्चों की जिंदगियों का सवाल है, सीमा के ऊपर किसी को कोई लेना देना नहीं है उसकी जिंदगी अपनी। लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट में आपका भी कहीं ना कहीं हिस्सा हो तो आप आए। आपको जिस तरह दूसरी बहनों को कभी तकलीफ नहीं मिली, अगर आप भाई हैं, बहन है, आपका कोई भी रिश्ता है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, किसी जात पात से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी चैनल पे आप कमेंट्स करें, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाएं और बताएं देखें जी क्या गलत हो रहा है। बाकी देखें वो इंसान इंतहाई फजूल होगा, इंतहाई बेशरम और घटिया सोच का हामिल होगा जो किसी को, किसी के धर्म को बीच में आड़े लाएगा या धर्म का बीच में इस्तेमाल करेगा या नेशन और कौमियत की बात करेगा। यह नेशन कौमियत से हट के मामला है, कुछ और मामला है। इसी दौरान आपको पता है कि बहुत सारे लोग रूहानी तौर पर जुड़े, बड़े करीब हो गए, इतने करीब हो गए कि आप चाहें भी तो आप नहीं छोड़ सकते, इसलिए लोगों के सेंटीमेंट जो थे, यहाँ आपको पता है कि नेशन धर्म वाली तो बात रही नहीं है, लोगों के सेंटीमेंट इतना जुड़ चुके हैं कि लोग समझते हैं कि वो जो पीछे है बैकग्राउंड पे, वो समझते हैं कि शायद वो इससे हट गए तो मुमकिन है ये केस दफन हो जाएगा, लोग समझते हैं। लेकिन ये कि अगर वो भी सामने आएंगे ना तो अच्छा लगेगा और पता लगेगा उन लोगों को भी, देखे कि हम तो लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे थे जो 10 12 15 20 लोग सामने आते थे, लेकिन अब तो दर्जनों लोग सामने आके बैठ गए, तो आप बात करने से ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी सर, मैं आपकी इस बात से एब्सोल्युटली एग्री करूंगा कि देखिए आपने देखा कि एक असल में थोड़ा सा इशू इस हवाले से एक और भी आया है कि जो स्ट्रीम यार्ड वाला चक्कर था ना, उसमें बड़ा एक जबरदस्त निजाम हो जाता था कि कोई भी शख्स जब रिक्वेस्ट करता था, तो ये जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं डेफिनेटली यहाँ पर मर्चेंट साहब को थैंक यू बोलूंगा कि उनकी ये एक बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने बहुत सारे अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात करवाई, और जिसका जो क्रेडिट होता है ना उसको वो देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये भी एक इंसाफ है, मुनाफकत से, हिपोक्रेसी से हटकर होता है कि जिसने अच्छा काम किया है ना उसकी उस अच्छाई को याद रखना। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि मतलब ये उनको क्रेडिट जाता है। स्ट्रीम यार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि लोग जो थे वो हमारे साथ कभी भी किसी भी वक्त कनेक्ट हो सकते थे, और वो हमने लिंक शेयर किया होता था, अब हमें कहना नहीं पड़ता था। कई बार ऐसे हुआ है, जैसे हलीमा बहन हमारी जो इटली से हैं वो हमारे साथ इस तरह से जुड़ी हैं, बहुत सारी हैं, सविता जी एक हैं वो हमारे पास, तो हमेशा ये हुआ है कि ये लोग जितने भी आए थे ना, ये स्ट्रीम यार्ड के थ्रू बड़ा इजिली कनेक्ट हो जाते थे। यहाँ पर अभी जो ऑप्शन है वो सिर्फ दो लोगों का है, आई विश कि ये ऑप्शन आगे बढ़े और कुछ ज्यादा लोग जो आ सके, और ये अब हम नेक्स्ट जो कोशिश करेंगे आज को छोड़ के, यानी कि अगले दिनों में, तो हम इंशाल्लाह कोशिश जरूर करेंगे कि जो है वो इस तरह स्ट्रीम यार्ड पे करें, वन टू वन नहीं करेंगे, भले दो लोग भी करेंगे ना, स्ट्रीम यार्ड पे बैठ के करेंगे, और उसके बाद कोई जुड़ना चाहेगा तो जरूर है। मैं देखें, और सर अल्टीमेटली देखिए पता क्या होता है, मैं एक और भी रिक्वेस्ट करूँ अपने तमाम उन लोगों को, चाहे किसी भी तरफ खड़े हुए, अब गालम गलोच ना, मतलब किसी और को क्या, सीमा को भी नहीं देनी, छोड़ दें, दफा करें उसको, अपने हाल पे छोड़ दें, लेकिन जो बात करनी है जेन्युइनली बच्चों की बात करनी है और बच्चों से मुतालिक ही बात होगी। अनुशाबा सैयद साहबा मेरी बहन, आपका बेहद शुक्रिया, और जितने भी लोग देख रहे हैं, विक्की साहब हैं, इस्माइल रेन साहब, या उसके बाद दी मनोज भाई, मतलब गुलाम हैदर चूंकि इस दौरान यहाँ पर थे, और जितना भी गुलाम हैदर को एंटरटेन कर सका
अपने तौर मुझे बाइक पे भी सफर करना पड़ा, गाड़ी पे भी सफर करना पड़ा, और इस वीजा की अप्लाई की जो प्रोसीजर था वो इंतहाई कठिन था, जो इंडिया और पाकिस्तान के सफर करते हैं सबको पता है। और किया, कराची में हीट वेव है और आप सबको पता है शदीद गर्मी थी, गुलाम हैदर के उस मोहल्ले में गए। मैं आपको अभी जो है ना, अगर चूंकि थोड़ी सी दूसरी बात कर रहे थे, जो गुलाम हैदर के जिस घर में सीमा रहती थी उस मोहल्ले फैसल भी गए, तो यकीन माने रोंगटे खड़े वाली करने वाली सूरत हाल हमने देखी। मतलब कोई आम इंसान जिसके दिल सीने में दिल है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा जो गुलाम हैदर की हमने वहाँ कैफियत देखी, जो मकान मालिक की कैफियत देखी। मतलब बहुत सारी बातें हैं तीन चार दिन की आप सबको बताने वाली, इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि देखें हम बोलेंगे, लोगों को बताएंगे, दुश्मनी किसी से किसी की नहीं है। आप आए, आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हों, आप दुनिया को बताएं। बाकी देखें गुलाम हैदर का जो पर्सनल अगर कोई फेल है कोई बात है तो देखें बैठ के ही उसको मामले को सेटल करना है। मैंने गुलाम हैदर को एक बात फैसल भी आपकी इजाजत से, क्योंकि मेरी बाकी तबीयत ठीक नहीं और मैं चाहता हूँ ज्यादा आप बोले, लेकिन मजबूरी है कि मुझे सुनना कम और नहीं, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना वो मुझसे कहीं ज्यादा है, क्योंकि गुलाम हैदर साहब आपके पास अच्छा खासा टाइम गुजार के गए हैं। तो मैंने गुलाम हैदर को जानना चाहता हूँ, हैदर भाई को मैंने एक बात की, मैंने कहा देखिए आप ये समझते हैं कि जी फलाने फलान टाइम आपके खिलाफ कोई अगर बात कर दी है तो वो बुरा हो गया। मैंने कहा देखें लाखों लोग जुड़े हुए इस मामले से और अब केस आपके अकेले का नहीं रहा, ये जो इशू है ये सबका है। हाँ, अगर किसी की किसी को किसी की बात से इख्तलाफ है तो उसको मिल बैठ के दूर किया जा सकता है, रब्ता करके कॉन्टेक्ट करके दूर किया जा सकता है, ना कि मामले को हवा दी जाए। इस बात को उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ बिल्कुल ये मेरा अकेले का केस नहीं है, सबकी बेटियां हैं और बेटा है और सबके बच्चे हैं, तो लिहाजा आप सभी मिलकर जो है इस मामले में आवाज उठाएं। अच्छा, और आप अपनी कुछ राय भी दें इस मामले में। बाकी हिम्मत नहीं है, मैं ये कोई किसी की हमदर्दी लेने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन बाकी बेहद बुखार हो रहा है। मैंने तो अभी पैनल डोल ली, चूंकि हमने शेड्यूल पहले किया था, अगर ये पहले शायद हो जाता तो बुखार होता तो शायद मैं करता भी ना, लेकिन आगे मजबूरन तो फिर शेड्यूल किया हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे जैसे हमें बहुत सारे लोगों का इंतजार होता है, तो इसलिए हम सामने बैठ गए। हालांकि इस बुखार की सिचुएशन से पहले मैं मोमिन मलिक साहब से भी टाइम ले चुका था कि रात में हमने उनके साथ भी 10:30 बजे के करीब लाइव करना है, तो आप देखते हैं कि रात वाला हो पाता है नहीं हो पाता, लेकिन अभी आप बताएं इस सारे सिचुएशन के ऊपर। बिल्कुल सर, मैं तो आपसे रब्ता भी नहीं रहा इतना ज़्यादा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना मसरूफ़ हैं गुलाम हैदर साहब के साथ, और सिर्फ ये नहीं कि गुलाम हैदर साहब आए हुए हैं, उनका वीज़ा प्रोसेसिंग, उनके बाकी मामलात, आई नो कि कितना मुश्किल होता है ये सारा प्रोसीजर करना, उसमें एक एक पेपर को कलेक्ट करना, बाजूकात ऐसे होता है एक स्टैम्प चाहिए होती है और आपको कितनी कितनी दूर जाना पड़ता है और फिर उसके लिए लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप जिस तरह से पिछले दिनों से गुजरे हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली, मैं आपको मतलब यही कहूँगा कि अल्लाह ताला ना सिर्फ इसका आपको अजर देगा, आप एक नेकी का काम करें और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे दोस्त हमारे चूँकि कनेक्ट रहे हैं, इनको पता है कि मामला क्या होते रहे हैं, ये जो हमारे व्यूवर्स हैं ना सर, ये हमसे ज्यादा एक्चुअली में नॉलेज रखते हैं, क्योंकि ये हर एक की लाइफ पर जाते हैं, इनको सीमा की पता लग रहा होता है कि अभी लेटेस्टली क्या हुआ है, फलां बंदे ने क्या कहा है, किस तरह से किया है, क्योंकि ये इस केस के साथ बड़ा जनरली अटैच है। वहाँ बात जो है वो हम लोग तो अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने पेश करते हैं, हम लोग तो ये कहते हैं ना कि मामला जो है वो किस हद तक पहुँच गए हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मामला है, तो उन चीज़ों को लेकर डेफिनेटली जो है वो डिस्कशन की जाती है। सर, ए पी सिंह ने दिया है एक ना पिछले दिनों इंटरव्यू, ठीक है ना, उस इंटरव्यू की आजकल बड़ी चर्चा है, उस इंटरव्यू के हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं आपके साथ उस इंटरव्यू को ही थोड़ा डिस्कस करूँ, और अगर आपकी तबीयत साजगार रही तो आप मुझे क्या था इंटरव्यू में जरा बताइएगा, वैसे था क्या मतलब सर इंटरव्यू में, आपको पता है कि मैं मतलब मैंने देखा था कि वो लेडी जो है वो एक्चुअली में यू नो जर्नलिस्ट हैं और उनको काम आता, बट एट दैट टाइम एपी सिंह का मैं फैन हो गया, मैं आपको सही बात बताऊं, मैं एपी सिंह का एक बहुत बड़ा फैन हो गया। उस शख्स को बातों में उलझाना, उस शख्स को अगले बंदे को ट्रैक से डी ट्रैक करना, उसके पास सब कुछ है, यकीन करें, मतलब आपने जब झूठ बोलना ही है तो फिर आपने ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है कि अगले को समझ ना लगे कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो कुछ यही मामला हुआ उस बंदे के ना, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, तीन चार तरीके कार है। मसलन सबसे पहले तो उसकी कोशिश होती है कि अगले बंदे पर चढ़ाई कर दो, वो इतना ऊंची बोल दो, इतना ऊंची बोल दो कि हो सकता है कि अगला बंदा जो है ना वो अंडर प्रेशर हो जाएगा और आपकी बात, अगर तो कमजोर बंदा होगा ना, नॉलेजेबल नहीं होगा, रिसोर्सफुल नहीं होगा, तो पहले झटके में फारग हो जाएगा।
जैसे आपने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स जब इंटरव्यू लेने की कोशिश की तो उन्होंने सीमा हैदर और सीमा सचिन करके ही अगले की जो है वो बैंड बजा दी, पहला काम उन्होंने ये किया। अब जब वो देखता है कि ये वाला मेरा काम नहीं हुआ, ये बंदा अंडर प्रेशर नहीं हुआ, ये किसी तरह से भी मामला नहीं कर रहा, तो फिर वो आ जाते हैं रामलीला की कहानियां सुनाने। वो जो है ना वो शुरू हो जाते हैं मोहब्बत और प्यार और चाहत और ये और इन सारी चीजों को लेकर बैठ जाते हैं और फिर इसी पर घंटों किस्म की बातें जो है वो होती रहती है, मामला उसी तरह से चलते रहते हैं और यही काम इन्होंने यहाँ पर भी किया। अब मसला ये था कि वो आगे जो खातून बैठी थी वो उनकी कहानियों में नहीं आती थी, वो रिप्लाई करती थी आगे से। फिर उन्होंने तीसरा ट्रैक इस्तेमाल किया, वो था पाकिस्तान के खिलाफ। अब आपको पता है कि अंसार बरनी साहब पर वो भाई आप वो बार बार कहें कि बच्चे चार जो यहाँ है उनकी बात हो नहीं, वो जो 28 बच्चे के पता नहीं 30 बच्चे हैं जो है, मुझे उनकी फिक्र है, उनको उनकी फिक्र शुरू हो गई उस वक्त। और वो पेपर निकाल निकाल ले ये जी बर्नी ट्रस्ट ने ये कर दिया, वो कहते बर्नी ट्रस्ट पर भी आते हैं पहले कम से कम आप जो है ना कि चार बच्चों की बात करें, तो चार बच्चों की बात करने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। पाकिस्तान पे जो बच्चे किसी ने अडॉप्ट किए हैं जिनकी उनको पता ही नहीं है कि क्या मामला हुए हैं, उन पर डिस्कशन करने का उनका बड़ा प्लान था जी, उस पर बात करनी है, उन बच्चों को माओ ने जना है, फिर इन बच्चों को तो पता नहीं किसने जन्म दिया है। तो सर वो बंदे के अंदर मैंने जो देखा है ना, यकीन करें एंड तक। फिर एक वक्त आ गया भारत माता की जय ले जी, उस बंदे ने अगले के ना उस तरह कर दिया कि वो बंदा ये सोचे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बोल गया तो शायद मैं पेट्रियोटिक ही नहीं हूंगा। एपी सिंह के ना ये चार टेक्स्ट हैं जिनको उसको यूज करना बड़ी अच्छी तरह से आता है। फैसल भाई एक बात ना, मतलब उस बंदे के ऊपर अब आपने देखा कितनी दफा कहते हैं जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज तक वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलना नहीं आता, ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उनकी टेबल सजाते हैं, दूल्हा दुल्हन को बिठाते हैं साथ, कितने मीडिया वाले आते हैं, मतलब जो प्योर जर्नलिस्ट है आपने देखा कि अब इसके पीछे पीछे भाग रहे हो, सबको पता है कि मेंटली तौर पर बिल्कुल पागल हो चुका है, उसको किसी हॉस्पिटल में दाखिल करने की जरूरत है। नहीं, बाकी नहीं, मैं पहले आपकी बात से एग्री करता था, मैं अब आपकी बात से एग्री नहीं करता। अच्छा, मेरी थोड़ा एक वो पता क्या है, मैं आपको सही बात बताऊं, मैं सॉरी आपकी बात टोकूंगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। वो एक्चुअली में बहुत बहुत इविल जीनियस, बहुत इविल जीनियस है सर, बहुत इविल जीनियस है, उसको आप इजी मत लें। उस शख्स को जो मैंने स्टडी किया है ना, उस शख्स के अंदर जो है वो बहुत दिमाग है उसको, उसको गलत चीजों को गलत करना, चीजों को डिट्रैक करना, चीजों को ड्रैग करना, ये सारे काम उसको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, ठीक है ना। एक बंदे होते हैं ना जो जीनियस, यही अगर यकीन माने अगर ये बंदा ठीक होता ना तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया को कहाँ से कहाँ ले जाता, ये जुडिशरी में जो इसके मामला जो नॉलेज है ये कहाँ से, ये सारे जो काम करता है ना वो, ये जो भोलापन दिखाना, ये अपने आप को इस तरह बनाना, अपना लाफिंग स्टॉक बनाना, ये करना वो करना, वो सिर्फ जान बूझ के होता है। लोग कहते हैं जी 30 फरवरी डाल दी, आपको लगता है कि वो इतना बेवकूफ है कि वो 30 फरवरी डालेगा? सर उसको सब पता है, उसने ये सब जो किया है ना ये एक्चुअली वे ड्रैग करने के लिए, बाद में जब एप्लीकेशन जाएगी 30 फरवरी होती नहीं, फिर टाइम मिल जाएगा अदालत से, फिर हो जाएगा। ये मामला जो है ये बहुत हाई लेवल के हैं। बस एक बात मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आप जैसे कहते हैं ना, किसी ने बड़ी अच्छी बात की है कि अंजाम देखा जाता है कि लूजर या विनर कौन होगा, वो ये देखा जाता है कि किसका अंजाम क्या हुआ है, अंत जो होता है ना वो डिसाइड करता है कि लूजर और विनर क्या है। एक शख्स एक टीम बहुत अच्छी तरह से प्ले किया है, एक टीम ने बहुत अच्छी तरह से खेला है, बड़े दाव पेच लगाए, सब कुछ किया, लेकिन एंड पर अगली टीम जो है वो लास्ट में गोल कर देती है, तो विनर वो नहीं होगी कि जो जिसके दाव पेच अच्छे थे, विनर वो होगा जिसने गोल कर लिया था। तो इस केस में मैं समझता हूँ कि इसकी सारी की सारी की कराई जो है ना वो पानी पे फिर जाता है उस पर। उसकी वजह क्या होती है कि ये जो मर्जी कर जाए, एक ऊपर रब भी तो बैठा है ना, एक ऊपर अल्लाह की जात भी तो है ना, जिसको पता है कि कौन गलत है कौन सही है। फांसी घाट पहुंचा ना निर्भया का केस, फांसी हुई ना उन लोगों को, टाइम जरूर लग गया, अंत में कौन हारा,
मैं एक अर्ज करूँ, असल में जैसे पिछले 3-4 दिन में ना जैसे छोटे छोटे क्लिप लोग भेज रहे थे, हमने असल में सोचा था 11 जुलाई जो बहन और हमने मिलके ना एक लाइन पर नहीं थी, लेकिन कल भी यही सिचुएशन थी जो आज है, और आज कमी थी तो आज भी कुछ इश्यूज की वजह से नहीं कर सके, लेकिन उनका वर्ड टू वर्ड इंशाल्लाह जवाब देना है हम दोनों ने मिलके। हमारे पास देखें डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास वो सारी चीजें हैं, चाहे वो सारे भरनी वाला इशू है या अनसार भरनी वाला इशू है, हमसे बेहतर कौन जानता है। मतलब आप कह रहे हैं ना जी बड़े वो जानबूझ के मामलों को या मसलों को उलझाते हैं, सर जिस बंदे को FIA के मतलब ही नहीं पता कि FIA क्या है, तो वो किस किस्म की अकल और शऊर रखता होगा। यकीन मानिए परसों रात एक जुमला परसों रात में मुझे अंसार बर्नी साहब ने फोन किया, वो लिंक भेजने के बाद ना उनका लिंक भेजा और ये जो बात कर रहे थे, कह रहे यार मतलब किससे पूछो बाकी इसके बाद वकालत की डिग्री है या नहीं है। मतलब FIA जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो पाकिस्तान की है, दुनिया को बता रहे जी FIA अमेरिकन एजेंसी है, उसने सारे मरने को गिरफ्तार किया है, ठीक है। अच्छा देखें मतलब यहाँ पर जो आप ये नहीं देखें वो देखें, पर नहीं इस तरह गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे भाई, वो जो सारे मरनी और अनसार बनी वाला इशू है, देखिए कोई भी अगर क्रिमिनल होगा, हमने लोगों को फेस दिखाना है, कभी भी किसी क्रिमिनल को सपोर्ट नहीं करेंगे, मर के भी नहीं करेंगे, जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, ठीक है, जीते जी भी कभी सोच भी नहीं सकते। मतलब सारे बर्नी के इशू के ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, अगर मैं अंसार बर्नी साहब से काम करवा रहा हूँ गुलाम हैदर के वीजे का, उनके केस का, तो मतलब आप खुद बताइए कि अगर सारे बर्नी और अंसार बर्नी साहब एक होते, उनका काम एक होता, तो मैं बेवकूफ था कि उनके दफ्तर में जाता, गुलाम हैदर को सीना चौड़ा करके ले जाता और वो मुझे वेलकम करते और कहते घर जाने के बाद फिर हमारी बात बजाना शुरू कर देना। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। हमने कुरतुलैन साहबा का इंटरव्यू लिया, वहां खड़े होके तनवीर अफरोज साहब थे, वकास अब्बास साहब थे, गुलाम हैदर भाई थे, उनके चैनल पे मौजूद है, इस तरह एक और भी वीडियोस हैं। तो मतलब आप खुद बताएं कि मैं मतलब उनके भाई को जो एज पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ क्रिमिनल है और उसने कांड किया है, जुल्म किया है बच्चियों के साथ एज पर रिपोर्ट और जो एविडेंस आ रहे हैं उस हिसाब से कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, तो मैं अगर एक उनके भाई के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ यूट्यूब पे भी, टीवी चैनल पे भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और फिर मैं जाऊँ जी अंसार बन्नी साहब गुलाम हैदर का ये काम करवा दें, तो आप बताइए कि अगर वो उनका काम एक होता तो करते। मतलब कल ही की बात है, मैं 2-4 महीने पहले 6 महीने पहले की बात नहीं कर रहा, कल ही की बात है, हम कल परसों गए ना उनके ऑफिस, अभी वापस मंडे को गुलाम हैदर ने आना है, फिर उनके ऑफिस में होंगे। इनका काम सेपरेट है, उनका काम सेपरेट है, और इन्हीं तनाजियात की वजह से, इन्हीं इश्यूज की वजह से ये दोनों सेपरेट हुए थे भाई। और मतलब एक बातचीत तो दूर की बात है सर, वो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, और उन्होंने कई दफा कहा है, बल्कि अंसार बर्नी साहब को तो छोड़ दें, सारे बर्नी ने खुद कहा है कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरे जनाजे में वो शख्स शिरकत ना करें, नाम लिए बगैर कहा, हमें पता है कि किसके बारे में बात करें, तो इनका एक काम सेपरेट है। मतलब जो सारे बर्नी साहब हैं, सारे बर्नी साहब के इस मामले के ऊपर पूरी दुनिया में उनके खिलाफ चर्चे हो रहे हैं, ठीक है, हम नहीं कह रहे। देखिए पहली बात तो ये है कि जिस तरह आज सीमा का सचिन का जो कांड है, वो AP सिंह की बदनामी, सीमा सचिन या मीना फैमिली की बदनामी नहीं हो रही, वो भारत की बदनामी हो रही है, अगर कोई अकलमंद चोर ये समझे तो, चोर शख्स है जो आज तक हमारे दिमाग में परसेप्शन था, ठीक है, तो वो परसेप्शन, जैसे मैंने उस दिन बाबा सलीम साहब से बात की, वो कह रहे हैं ये सब कुछ इंडिया में हो रहा है, मतलब हैरान हो जाता है शख्स कि इंडिया में इतना पावरफुल कानून है, कोई इलीगल काम हो नहीं सकता और वहां सचिन और सीमा ये सारे काम कर रहे हैं, तो आप खुद बताएं कि क्या यहाँ ये परमिशन होती। मतलब अगर सारे बर्नी के खिलाफ अगर कोई एक्टिविटी है हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो बदनामी किसकी है, सारे बर्नी की तो है ही है, पाकिस्तान की बदनामी है ना जी, पाकिस्तान से ये काम होगा, जहाँ सारे बर्नी का वहां होगा, वहां जहाँ सीमा का, AP सिंह का, सचिन का नाम आएगा, वहां इंडिया का नाम आएगा, तो आप खुद बताइए हम सारे बर्नी के इस इशू को रिपोर्ट करके हम पाकिस्तान की बदनामी करवाते हैं, क्योंकि क्राइम हुआ है तो हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये कॉमन सेंस वाली बातें जो हमारे बहन भाई समझना चाहते हैं वो समझे, बाकी AP सिंह साहब लाइलाज मरीज है, बाकी आपने जर्नलिस्ट की बात की थी दो चीज में, देखें जो ओरिजिनल पत्रकार है जो बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते हैं, बताए कई दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, सीमा को ले जाते हैं, वो मीडिया था जो झूल जाट रहा था, भागा भागा फिर रहा था, गर्मी सर्दी नहीं देख रहा था, भूखे प्यासे मार रहे थे, सीमा के कितने माइक लेके पीछे घूमते, कैमरे लेके पीछे घूम रहे, वो तो घुमा रहे ना, कोई आ रहा है उसके पास, इसलिए कि वो नफ्सियात समझ चुके हैं, इसकी हैसियत औकात समझ चुके हैं। अब क्या होता है कि वो एक आधा बंदा जाता है, लेकिन मैं एक और भी आपको चीज बताऊं कि देखें अगर कोई लाइलाज मरीज है ना, उसको आप सीधा नहीं कर सकते, तो उससे आप किनारा कर लें। AP सिंह साहब के पास अगर लोग जो जाते हैं इस जज्बे से कि जी वो समझ जाएगा, सीख जाएगा, तो सर जिसके अंदर इंसानियत नहीं है ना, तो वो आप लाख इलाज कर लें वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता।
मतलब मैं गलत काम कर रहा हूँ ना सर, तो मुझे आप समझाएंगे, चार छह लोग समझाएंगे तो मुझे मेरी अकल ठिकाने आएगी और मैं अपना किबला दुरुस्त कर लूंगा। लेकिन वो बंदा कभी जिंदगी में चाहता ही नहीं कि उसकी किबला दुरुस्त हो, तो फिर ज्यादा बेहतर ये है ना कि आप किनारा कर लें। तो लोग जो जाते हैं कि नहीं, अभी गुलाम हैदर का वीजा लगा नहीं है, अप्लाई हो गया है। जो लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं हम उनको तो झूठा तो नहीं कह सकते, लेकिन वीजा अप्लाई हो गया है। वीजा जारी करना उसमें 15 डेज भी लगते हैं, 25 भी, 45 भी, इवन के 90 डेज में भी लग सकते हैं वीजा जारी करने में। वो इंडियन गवर्नमेंट ने जारी करना है, जब जारी होगा इंशाल्लाह आप सबको बता देंगे। बाकी फिलहाल अप्लाई हुआ है, वीजा जारी नहीं हुआ। सर एक सवाल यहाँ पर ना कुछ लोगों ने और भी किया था, मैं वो भी क्लियर कर दूं, आप भी जरा इसको रोशनी डाल दीजिएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद में है, कराची में उनका कोई कॉन्सुलेट नहीं है या हाई कमीशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से कैसा नहीं है इंडिया में, इंडिया की ऑनलाइन इस्लामाबाद में हाई कमीशन इस्लामाबाद में, लेकिन वीजा ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है उनकी। आप गूगल भी करेंगे और पूरी दुनिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ते हैं, उनकी जो भी कंडीशंस हैं वो सारी। इंडिया की, इंडिया का हाई कमीशन जो है वो कराची में नहीं है, और हम रात में कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप सबसे बात करके थोड़ी थोड़ी एनर्जी आ रही है और जो फीवर आप करेंगे, आप करेंगे कि हम बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरी तरफ से भी आपके लिए और नीचे जितने लोग हैं जी, बहुत सारे लोगों के दिल भी आ रहे हैं, तो इस वजह से भी लगता है कि वाकई कुछ एनर्जी को बेहतर हो रही है। लेकिन मसला ये है कि गुमराह नहीं करना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताएं, मतलब बताना चाहते हैं। इशू ये है कि लोग गुमराह करते हैं, अब खुद गालम गलोच करें यार, मतलब मिसाल के तौर पर आत्मा को कोई गाली देता है यार, वो क्या वो गाली किसी पाकिस्तानी को लग रही है? नीता बहन को, पार्लर को, किसी को भी गाली देंगे, आप खुद बताएं कि क्या किसी पाकिस्तानी को गाली लग रही है यार? अपनी बहन बेटी को गाली दे के फिर क्या आपका जो एक तुरा है या कद है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा? अपनी असलियत दिखा रहे हैं आप लोग, क्यों इस तरह तबाह कर रहे हैं अपने? आज तक मुझे कितने पैसे भेजे हैं कि मैं आस्था माँ को भेजू? मुझे यकीन करे, मुझे उन्होंने बनाया हुआ सेंटर, सारे पाकिस्तान से फंड इकट्ठा करता हूं, अगर वो फंड इकट्ठा करके मैं आस्था मां को अगर अगर अगर, अगर, अगर हमारी बहन आस्था मां, क्योंकि हमने मतलब उनकी जो तनकीद है हम उसको पॉजिटिव ही लेते हैं, लेकिन इस बात पे मेरा अगर ये जवाब आप सुने तो अगर हमारी बहन वो माइंड ना करें, ये मेरी बात जो मैं करने लगा हूं, तो मेरी बात ये है कि देखें आस्था जी की पाकिस्तान से और पाकिस्तानी से कितनी मोहब्बत है वो पूरी दुनिया जानती है, उनकी हर लाइन में आपको पता चलता है। ठीक है, हमारी लाइन में आई, मतलब ये दो मतलब की बात है, उनके ऊपर आप ये सब इल्जाम लगाएं, ठीक है? ये कभी सोच भी नहीं सकता कोई यार, मतलब अपने मुल्क से जो सिंसियर हो कभी इस तरह की हरकत कर सकता है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल, आप ये कहते हैं वो माजी मेरे लाइफ पे आई तो कहती ये सीमा चली जाए सही, मैंने आपको बड़ी गालियां निकाल ली है। मैंने कहा माँ की गालियों में भी प्यार होता है, आप निकालते रहे, कोई मसला नहीं है। तो यकीन करें हकीकत बात ये है कि वो लोग जो है ना जस्ट उन्हें लगता है कि शायद इन खवातीन की इज्जत पर बात की जाए, इनकी इस तरह से एक तजलील की जाए, इनको डीमोरलाइज किया जाए, इनको फाइनेंशियली एक एक और बात वो कहते हैं बैठ के ना चार पांच बुड्ढे, वो बैठ के बुड्ढे हम भी हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुड्ढे और मैं नौजवान हूँ, मैं भी बुढ़ा हूँ। अच्छा, मैं भी आपके साथ। चार पांच जो लोग हैं ना वो पता क्या कहेंगे, पाकिस्तान में औरतों के साथ ये होता है, पाकिस्तान में औरतों के साथ ये होता है, पाकिस्तान में औरतों के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे भाई अगले लम्हे पता क्या होता है, वो फलां गैंग उसकी माँ बहन, उसकी फलां, उसका ये, उसका वो। अरे भाई तो मतलब अपनी ही बात को खुद तजाद बना के उसी लाइफ में ये बात कर रहे हैं कि मतलब अगर ये पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है तो फिर आप तो अपनी अपनी बात को खुद गलत साबित कर रहे हैं, अपनी बहनों को खुद बुरा बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और वो यार मतलब वो जिसके दिल में ना सीने में दिल है ना सर, वो इंसानियत के लिए खड़ा हुआ है, वो गुलाम हैदर के लिए क्यों खड़ा होगा, वो पाकिस्तान के लिए क्यों खड़ा होगा? लेकिन वो कहता ना कि जानवर भी हो ना सर, जानवर वो भी किसी के कहता ना कि जिसकी सांसें चलती हैं वो उससे मोहब्बत करता है। ये तो इंसान के बच्चे, इंसान के बच्चों के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं, कभी भी ये सोच भी नहीं सकते लोग के किसी पाकिस्तानी होने की वजह से या पाकिस्तान की वजह से बैठ के बात करते हैं। बाकी अच्छा चलें, ये जो जितने भी गैंग या जितने इधर उधर के लोग बातें करते हैं, गालियां देते हैं, मतलब आप एक चीज सोचें कि मैंने उससे भी बात की थी, आप इस वक्त कहां बैठे हुए, अपने घर में ना, मैं अपने घर में बैठा हूँ,
या अगर हम कोई कांड कर रहे होते, हम कोई इस तरह लोगों को मिसलीड कर रहे होते, हम लोगों को मतलब इतना गलत काम कर रहे होते किसी नेगेटिविटी में, तो क्या पाकिस्तान की या जिधर आप हैं वहां तो सोच भी नहीं सकता कोई गलत काम करना, तो क्या ये आप सबको परमिशन होती? मतलब थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल करो यार, लोग आपको मोतबर समझता है, बड़ा बेहतरीन समझता है, और आप लोग जो है वो जानवरों से ही बदतर, आप लोगों का दिमाग काम करे तो यकीन माने बड़ा अफसोस ही किया जा सकता है। कभी भी सोच नहीं सकते कि कोई बात करे, आप जो बहनें जो भाई वगैरह जितने भी लोग जुड़ते हैं वो भी तो अपने घरों में बैठ के बात करते हैं, कौन गलत बात करता है यार? मतलब एजेंसीज की नजर होती है, अगर एजेंसीज देख रही होती हैं जी उनके मुल्क में या हमारे मुल्क में कोई कांड हो रहा है आपस में रिलेशन रखने के ऊपर, तो फिर हम सब अंदर होते हैं ना, वो लोग भी कई अंदर जा चुके होते हैं, हम भी जा चुके होते हैं, पता है कि बात किस पे करते हैं और कितनी बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ठीक है। जिस जिस की जो बात व्हाट्सएप पे भी चल रही है आजकल, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, व्हाट्सएप भी सेफ नहीं है, आपस में कम्युनिकेशन हो रही है वो भी रिकॉर्ड हो रही होती है, तो इस तरह गुमराह लोगों को ना करें। देखें हम सब ने मर जाना है, लेकिन कम से कम कोई अच्छा काम करके मरे तो लोग आपको याद करें। आज 100 गालियां खाने के बावजूद हम बोलते हैं जी अस्थमा जी अस्थमा जी, तो हम क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि उनकी वो जो मौकफ है, उनका जो वो जो स्टांस है वो एक इंसानियत के लिए, बाकी गालियां तो हमें पड़ती है, हमें पता है आप सबसे ज्यादा तो पाकिस्तानी को गालियां पड़ती है उनसे। बिल्कुल सही बात है। और किसी ने यहाँ पर लिखा है कि देखें शर्म आती है कि सीमा भी पाकिस्तान की है, बच्चे भी पाकिस्तान के हैं, गुलाम हैदर भी पाकिस्तान का है, और गालियां इंडियंस को दे रहे हैं। देखो ना तो बात तो आपकी बात तो ये मोटू जी आपने बिल्कुल ठीक की है कि इस सारे खेल में अगर लड़ाई हो रही है तो उनकी हो रही है आपस में, हालांकि जिनके लिए लड़ाई हो रही है वो उस मुल्क के ही नहीं है, बात ही खत्म। आप नशाबा सही है साहबा, आपके असल में सबके वैलिड क्वेश्चन होते हैं, आपके सवाल का जवाब ये है कि जो हालात वाकयात हैं जी, कहते हैं जी सीमा हाउस अरेस्ट है, सीमा बाहर नहीं जाती, और लोग हमें वीडियोस भेजते हैं जी वो तो रील्स बना रही होती है, गाड़ियों में घूम रही होती है, कहाँ गई पुलिस और कहाँ गया निजाम, और फिर वो बैठ के वो दुनिया को चिढ़ा रही है, तो कहाँ गया निजाम, कहाँ गया कानून, कहाँ गया अदालती ऑर्डर। लेकिन ये कि फिर भी एक भरोसा होता है ना, अंधा एतमाद होता है, तो अंधा एतमाद है अदालती निजाम के ऊपर इंडिया के, अंधा एतमाद है तमाम पाकिस्तानियों को इंडिया के संविधान के ऊपर और लोगों के ऊपर, अवाम के ऊपर, जनता के ऊपर, माओ बहनों के ऊपर। उसी तरह अंधा एतमाद है, मतलब जो हालात वाकयात ऐसे लग रहा है कि इंडिया की तरफ से गुलाम हैदर को वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन अंधा एतमाद है कि ना इंसाफी नहीं होगी इतनी बड़ी, क्योंकि कोर्ट ने बुलाया है और गुलाम हैदर खुली किताब है पूरी दुनिया के सामने, ना आतंकवादी, मतलब कोई बाप अपनी औलाद की डिमांड करेगा तो वो क्या आतंकवादी हो जाएगा? जो गला फाड़ फाड़ के कहते हैं पी सिंह साहब, तो क्या वो आतंकवादी हो जाएगा? तो बहरहाल लगता नहीं कि मिले, लेकिन दिल मानता है कि जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस तरह के सेंटिमेंट इंडियन बहन भाइयों से जुड़ चुके हैं, इस तरह लगता है कि लोग 10 साल भी केस चला तो खामोश नहीं बैठेंगे, इसी तरह रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और याद दिलाते रहेंगे कि देखें जी जुल्म कर रहे हैं, अब इतना बड़ा जुल्म ना करें, सीमा की अपनी लाइफ है, सीमा जिस तरह मर्जी चाहे जिए, लेकिन बच्चे हर धर्म के लोगों का ये मानना है, हर कहते हैं कि कोई शरीयत है या कोई भी है उनका ये मानना है कि वो बाप की कस्टडी और बाप को मिलते हैं, तो इसलिए कानूनी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, इंसानी लिहाज से, शौरी लिहाज से बाप की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए गुलाम हैदर दिन रात एक क्यों है, वो चाहते हैं कि इस चीज पर जितना भी चर्चा किया जाए, जितनी भी बात की जाए, जो भी कहा जाए, कानूनी शरई किसी भी हवाले से देखा जाए, तो वो गुलाम हैदर साहब के ही हक में बात होती है। आप देखें जितने भी सुलझे हुए एजुकेटेड लोग हैं, स्पेसिफिकली अगर इंडिया की हम बात करें, तो वो ये बात हमेशा करते हैं, इवन अगर वो सीमा को सपोर्ट भी करते हैं तो बच्चों के हवाले से उनका स्टैंस ये है कि बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान जाने चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो सेफ्टी है, बच्चों की जो भविष्य है, जो उनका फ्यूचर है, जो उनका मुस्तकबिल है, वो इंडिया में नहीं हो सकता। आप जो भी करें, जिस तरह से भी करें, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट मोर देन वन ईयर, एक साल से ज्यादा हो गया है उनकी एजुकेशन को खत्म हुए हुए, एक साल से ज्यादा हो गया है उनको एक प्रॉपर नरिशमेंट हुए हुए, एक साल से ज्यादा हो गया अपने घर से दूर, सर ये एक रिफ्यूजी से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं जो वो वहां पे गुजार रहे हैं, और बहुत तकलीफ और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि उनकी माँ ही ये सब कुछ कर रही है, तो माँ का जो दर्जा होता है ना, वो जिस तरह का हमारे लोगों के हम सबके जहनों में होता है, ये वो उसने बड़ी बड़ा एक बड़ा डेंट पेश किया है एक औरत को माँ के नुक्ता निगाह से अगर हम देखें तो। बाकी जहां तक मैं ये बात कहूंगा कि आपने वीजा के हवाले से बात की है, ये जो भी है सर, कुछ चीजें होती हैं जो हमारे इख्तियार में होती हैं, जहां तक हमारा इख्तियार होता है ना, हम लड़ते हैं, हम करते हैं, वहां तक हम जाते हैं, जहां पर हमारा इख्तियार नहीं ना होता
फिर हम उस पर चले जाते हैं जो ऊपर जात बैठी है, फिर वो अपना काम करती है। और क्या आज से कुछ अरसा पहले, हम लोग तो बहुत अरसे से सब चीज को आवाज उठा रहे हैं ना, क्या आपको यकीन था कि मोमिन साहब जैसा इंतहाई दलेर और इंतहाई समझदार इंसान जो इस केस के साथ जुड़ेगा, क्या आपको अंदाजा था इस बात का? निशाबा जी से तो अक्सर बात होती रहती है कि दुआ जरूर करें। सुरेंद्र जी हैं, मैं इनको सबको ये बोलता हूँ कि आप लोग चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप दुआ जरूर किया करें, क्योंकि जो दुआ की ताकत होती है ना, जो दुआ में पावर होती है, वो अनहोनी को भी होनी कर देती है, वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है, जो चीजें नजर आ रही होती है कि नहीं पॉसिबल, वो उसको भी मुमकिन कर देती है। तो आप लोग जहां पर भी जब भी नमाज पढ़ें, पूजा करें, जब भी तो कम अज कम दो शब्द जो है ना, दो लफ्ज जो है ना, गुलाम हैदर साहब के लिए, बच्चों के लिए जरूर कहा करें। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप इस केस के साथ अगर जेन्युइनली अटैच हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप ये जरूर काम करेंगे। और जहां तक काम किया गया है, जो प्रैक्टिकली जहां तक पॉसिबल था, अंसार बरनी साहब ने, शाहिद भाई ने मिलकर वीजा अप्लाई कर दिया, यहां तक काम होता है, उसके आगे क्या प्रोसीजर होगा, क्या होगा, वो इनके हाथ में नहीं है। जब आप नवाला लेते हैं ना, तो नवाला लेने के लिए यहां तक आपके इख्तियार में, उसके पास उसके जाना है, कैसे डाइजेस्ट होना है, नहीं होना, क्या होना है, वो इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है ना। तो हम जहां तक वॉलंटरी एक्शंस कर सकते थे वो हमने किया है, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला एक अच्छी उम्मीद के साथ हम लोग ये कहेंगे कि वीजा प्रोसेस भी होगा, वीजा लगेगा भी, और इंशाल्लाह ताला गुलाम हैदर साहब जाएंगे वहां पर, अपना केस लड़ेंगे, और मोमिन सर जो है वो उनको भी पूरी तरह से लीगल मैटर्स में जिस तरह से भी हेल्प आउट करेंगे वो करेंगे। तो ये दुआएं जो है ना, ये बड़ा मैटर करती है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि दुआओं में जरूर याद। अच्छा फैसल भाई, मतलब लाइव एंड करते हैं, लेकिन एक दो चीजें मैं थोड़ी सी बोलता हूँ, एक दो चीजें वो मतलब वैसे बिल्कुल हिम्मत नहीं है, लेकिन एक दो चीजें जो मैं क्लियर भी करना चाहता हूँ कि देखिए, गुलाम हैदर ने जो कुछ पिछले दिनों जो वीडियोस बनाई, उसके शायद लोगों को लगा जी तनवीर अफरोज भाई ने और वकास अब्बास साहब ने और मैंने मतलब कुछ गुफ्तगू की, शायद उसमें लोगों को नागवार गुजरा, माइंड किया लोगों ने कि इस तरह शायद हमें गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन असल में सिचुएशन का सामना फेस करना पड़ता है, हर लिहाज से दबाव मेरे ऊपर आता है। मतलब मैं कोई एक बढ़ाई की बात नहीं कर रहा, ये ऊपर वाली जात जानती है कि हर तरफ से दबाव मेरे ऊपर आता है। तो समझ लें कि ना चाहते हुए भी कुछ बातें हम ऐसी कह गए जो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो फिर भी मैं कहता हूँ कि गुलाम हैदर का एक बड़ा सब्र और बड़ा जिगर है उसका, कि उसने माइंड नहीं किया, बल्कि उसने उनको चीजों को पॉजिटिव लिया, और हम उन तमाम लोगों का जिनके शायद जिन्होंने समझा कि हमने उनके बारे में बात की थी, उनका दिल से एहतराम करते हैं और एहतराम करते रहेंगे। गुलाम हैदर, मैं या कोई भी जहां से भी हो, वो अगर कोई भी नागवार बात गुजरेगी, तो हम सबका ये मानना है कि हमें सबको पॉजिटिव वे में एक दूसरे को समझा बुझा के आगे बढ़ना है और इस मामले को लेके जाना है। बाकी जैसे मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि गुलाम हैदर को चूंकि वो गलियां तंग थी, मैं गाड़ी ले जा नहीं सकता था, तो गुलाम हैदर ने मुझे खुद कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ वहां से लेने थे, तो बाइक पे चलते हैं। शदीद गर्मी थी, मैं गुलाम हैदर को उन गलियों में, उस घर में जहाँ लास्ट टाइम सीमा रहती थी, उस घर में बाइक पे लेके गया, और वो तमाम गलियां जहाँ बच्चे खाते थे, जिस स्कूल जाते थे, वो तमाम रास्ते, तमाम गलियां, घर पहले कब कहाँ रहते थे और दूसरे घर में कब शिफ्ट हुए, वो एक एक चीज उसने दिखाई। और यकीन माने जो मंजर था, मैं शायद अगर आपको अल्फाज में बयान करना शुरू कर दूं तो मैं रो दूंगा, मतलब बहुत क्रिटिकल मामला था। मासूम बेटियों का मसला है, इसलिए देखें इको में मत आइएगा। मैं अपने हिंदू बहन भाइयों से भी कहता हूं कि अगर आप समझते हैं जी कोई पाकिस्तानी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, नीचा दिखाने का सोच भी नहीं सकते। हमारा मसला ये है कि हम चाहते हैं कि यार उसका एक गरीब आदमी है जो जिसकी बेटी मतलब कहीं उसके साथ इस तरह की हरकतें हो रही हो जो आप सब वीडियो में देखते हैं, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसलिए ये नीचा दिखाने, ऊंचा दिखाने वाली बात ना करें, आप सब जुड़े, आप साथ जुड़े, इंसानियत को जिंदा करें, ठीक है। कुछ देर पहले मेरी नीता बहन से फोन पे बात हो रही थी, मैंने कहा यार हम जब जर्नलिस्ट साथ बैठते हैं ना, बातें बहुत है, मतलब वही वाली बात, जैसे हैदर कहता है यार हम तो समझते हैं फैमिली है, तो इसलिए हम बैठ के लाइव में भी बहुत सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा होगा यार पता नहीं क्या बैठ के बकवास कर रहे हैं, हमारा टाइम जाया कर रहे हैं, लेकिन जब हम बैठते हैं साथ तो हम बात करते हैं। लेकिन हमें हमारा मजहब हमें बहुत प्यारा है, हमें सोच भी नहीं सकते कि हम कभी इस मजहब से हट के कोई चीज करें,
लेकिन इशू असल में ये है कि हमने ये डिबेट करते हैं जो सबसे पुराना धर्म है वो हिंदू धर्म है, इसके अलावा बुद्ध मत इब्राहिमी और कितने धर्म है, लेकिन जो बाकी अपने रियल में अपने धर्म पे चलने वाले लोग हैं कभी वो सोच भी नहीं सकते किसी दूसरे धर्म को बुरा बोले। तो यार ये ना धर्म का मसला है ना नेशन कौम का मसला है, जो समझने वाले हैं एजुकेटेड लोग हैं वो समझते हैं, इसलिए वो गालियां भी खा रहे हैं, वो बेइज्जत भी हो रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं और वो खड़े हुए जी गुलाम हैदर के उनके बच्चे मिले। तो मेरे भाइयों अगर आप सबको लगता है जी पाकिस्तानी आपको गालियां देते हैं, सवाल नहीं पैदा होता, और अपनी बहन भाइयों की इज्जत करना सीखें, हम सबकी इज्जत करते हैं। मतलब मैं एक बार फिर कहूँ कि सबसे ज्यादा अगर कोई टारगेट होता है आस्थमा का तो वो भाई हम ही होते हैं, लेकिन कभी हमने हमें देखा कि उनसे वो करें मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ ना माजी के साथ तो मैं घबराया हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मतलब उनके साथ उनका वो मैंने पुराने इंटरव्यूज वगैरह देखे, कुछ चीजें देखी, तो मैंने कहा यार मैं किस तरह एक कम्युनिकेट करूंगा लाइक अ मुस्लिम और फिर पाकिस्तानी और फिर वो एक बड़ा। लेकिन यकीन करें उनके साथ गुफ्तगु जो मेरी हुई और वो कहते हैं ना वो दरमियान में से वो बिल्कुल एक पर्दा सा हट गया, और अब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे उनके साथ शायद बहुत इजीली गुफ्तगु करनी होती है। वो कमेंट्स में आते हैं या वो मेरे साथ लाइव में आते हैं तो मुझे ऐसे फील होता है लाइक मैं तो इनको इनके साथ मजाक भी कर सकता हूँ। अब आप ये देखें कि उनके साथ मैंने सीमा बनकर उनकी एक गुफ्तगु की, एक इंटरव्यू किया, तो मुझे किसी ने कहा यार आपकी हिम्मत है, मैंने कहा मुझे तो उनमें अपनी माँ जैसा एक बिहेवियर नजर आता है कि जैसे फनी मजाक ये वो, मुझे तो ऐसी हेजिटेशन होती नहीं। जबकि लोगों के पर्सपेक्टिव में जब उनको देखते हैं सब लोग तो वो समझते हैं कि पता नहीं ये तो इनके साथ तो शायद मैं बात भी करूंगा तो ये जो है ना वो मुझे गालियां निकालना शुरू हो जाएंगी मेरे इस्लाम के बारे में मेरे पास। तो ऐसा नहीं है, शी इज वेरी इनोसेंट फ्रॉम इनसाइड। मैं आपको सही बात बताऊं, बहुत अच्छी है, दिल की इतनी अच्छी खातून है वो कि मतलब वो सारी चीजें। आज भी मैंने उनको एक बड़ी फनी किस्म की पंजाबी जो थी ना वो एक फनी चीज सेंड की है, नूर ने आगे से बड़ा हंस के जो है वो रिप्लाई किया। द रीजन इज दैट वी कैन अंडरस्टैंड, तो वो एक बड़ा एक अच्छा बॉन्डिंग बनी है और मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे ये लगता है कि बड़ा कंफर्टेबली उनसे बात हो सकती है। लेकिन स्टार्ट में जब मैंने उनका वो सारा गेटअप देखा, सारा उनका एक सिलसिला देखा, तो मैं टू बी वेरी क्लियर वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत परेशान था कि मैं इनके साथ कैसे क्या बात करूंगा या क्या लाइव करूंगा। और अभी सिचुएशन ये हो जाती है कि वो जब कमेंट्स में भी आ रही होती है ना तो हंसी मजाक इस तरह से बात हो रही होती है जैसे कोई फर्क ही नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है और बाकी चीजें नहीं है। तो ये सारी चीजों को लेकर अगर मैं कहूंगा तो वही बात है कि ये जितना भी हमारा केस है ना, दैट इज नॉट फॉर द सेक ऑफ रिलीजन, दैट इज नॉट फॉर द सेक ऑफ कौमियत नेशनलिज्म, इट इज अबाउट द ह्यूमैनिटी। और ह्यूमैनिटी में हम सब ह्यूमन है, वी ऑल आर ह्यूमन, चाहे वो कोई भी धर्म से है, कोई भी मजहब से है, कोई भी मुल्क से है, वतन से है, देश से है, हम सब इंसान है। और ये मसला इंसानियत का है और इसी इंसानियत के मसले को ना सिर्फ हमने उठाया हुआ है और आप लोग जो इतने सारे लोग मोर देन 300 पीपल आर वॉचिंग, आप सब जो जुड़े हुए हैं उसकी कास्ट क्या है, उसकी रीजन क्या है, बिकॉज आप सब भी इंसान हैं। और दर्द के, दुख के, उस तकलीफ के जिसे गुलाम हैदर गुजर रहा है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आप भी बच्चों वाले हैं, आप भी किसी के बच्चे हैं, तो यू कैन फील द पेन अ पर्सन फीलिंग फॉर हिमसेल्फ। तो अपने बच्चों के लिए जो कुछ फील कर रहा है आप सब भी वो फील करते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि आप इस सारी चीजों को लेकर जो है वो जुड़ते हैं, बात करते हैं और हमेशा एक अच्छी बात करते हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको ना सिर्फ अप्रिशिएट करूंगा, सैल्यूट करूंगा कि प्लीज ऐसे जुड़े रहिएगा जब तक ये केस नहीं खत्म हो जाता, क्योंकि आपके जुड़ने से हमें हिम्मत मिलती है। जिस तरह अभी शायद भाई कह रहे थे ना कि एनर्जी आ गई है, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे वो बात कर रहे थे स्टार्ट में, तो स्टार्ट उन्होंने किया था ज्यादा लंबा खींचा नहीं जाएगा, आधे घंटे के अंदर अंदर खत्म करना है। अब देखे तकरीबन कोई पौना घंटा तो हो गया है, तो वो एनर्जेटिकली बात भी की है। बाकी शायद भाई आपसे वाकईतन बहुत सारी बातें करनी है, शाहिद भाई से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे हैं क्योंकि मेरा भी इनसे ना पिछले दिनों रापता नहीं हो सका, ये बिजी थे, मैंने भी इनको नहीं डिस्टर्ब किया, कुछ और भी मैटर्स थे उनको भी मैं सॉर्ट आउट करता रहा हूँ, तो शाहिद भाई से रापता नहीं हो सका, मतलब बैकडोर भी रापता नहीं हो सका। तो बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने पूछने हैं जो कहीं नहीं पूछ सके, क्योंकि गुलाम हैदर आपकी बार जब आए हैं
بہت زیادہ ٹائم گزارا انہوں نے اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ وہ گلیوں میں بھی گئے وہ دیکھ کر, اس طرح کے بہت سارے سوال ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کہیں دوسری جگہ کوئی دیر کے لیے چلے جاتے تھے تو نہیں گیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں غلام حیدر, آپ کو جب ایک باپ کو اس کی بیٹیوں کے بارے میں اس کی بیوی کے بارے میں سوال کریں گے تو مطلب اس سے ہوگا نہیں, کل پھر بات کریں گے اس پہ. تو وہ بےچارا اپنا دکھ بھی بیان نہیں کر پاتا, اس کو کسی سے دشمنی نہیں ہے نہ کسی سے دشمنی نکالنا چاہتا ہے, لیکن وہ اپنا صحیح سے دکھ بھی بیان نہیں کر پاتا. مجھے آپ ایک بات بتائیں, اگر وہ شخص اپنی آواز خود اٹھا سکتا تو مجھے آپ کو یہاں پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر اس کو بےچارے کو رونا بھی نہیں آتا اپنے دکھ کے اوپر, یاد بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ساتھ بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور اپنا خیال رکھیں, کیونکہ آپ اس کیس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور آپ ایک ویسے بھی جینوئن آدمی ہیں, تو اپنا خیال رکھیے کریں. میں تو آپ کو پتا نا بیک ڈور بھی آپ کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ صحت سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں سر. اور جتنے بھی لوگ ہیں معاملہ بہتر ہوگا انشاءاللہ, بس دعاؤں کی درخواست ہے انشاءاللہ. اور یہ ٹارگیٹ اور مشن یہی ہے کہ بس غلام حیدر کو مرتے دم تک بچے دلوانے ہیں, اگر زندہ رہے کوشش ضرور کریں گے. اور غلام حیدر کو اس بار ضرور ایسا ہوگا اور ضرور جو ہے وہ بچے بھی ملیں گے اور وہ دوبارہ سے ایک اچھی اور نئی زندگی بھی سٹارٹ کریں گے جو ان کا پوری طرح سے حق ہے. بالکل صحیح بات, بالکل. چلے کوشش ہوگی انشاءاللہ 10:30 بجے موہن ملک صاحب کے ساتھ میں, چونکہ پہلے ٹائم لے چکا تھا, کوشش ہوگی کہ ہم لائیو کریں کیونکہ کیس کی جو پروگریس تھی وہ ضرور دیکھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ تھینک یو, آپ سب کا بہت بہت شکریہ.